नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। डॉक्टरों की अक्सर आप हड़ताल देखा करते होंगे। जूनियर डॉक्टर्स अक्सर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आज आपको बड़ी खबर बता रहे हैं गया से। तस्वीरें देखिए किस तरीके से। गया की अगर हम बात करें तो गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहाँ समाचार संकलन करने गए न्यूज चैनल के पत्रकार पर हमला। जूनियर डॉक्टर हथियार व हॉकी स्टिक गांसे से लैस थे, उसके द्वारा हमला किया गया है पत्रकार पर। आपको बता दें पत्रकार को दौड़ाकर पीटा गया है। अस्पताल प्रशासन जो है वो सिर्फ मूक दर्शक बनी रही है। और ये तस्वीरें हम आपको गया से पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से गया से ये खबरें निकल के आ रही हैं, जहां समाचार संकलन करने गए एक पत्रकार पर हमला कर दिया गया है जूनियर डॉक्टर्स द्वारा, और ये काफ़ी निंदनीय है। पत्रकार अपना काम कर रहे थे, पता नहीं जूनियर डॉक्टर्स को ऐसी क्या भूत सवार हो गई कि उन्होंने उसकी पिटाई कर दी है, और पूरा अस्पताल प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहा है वो पत्रकार, क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। डॉक्टर अरे रोयर है, आपने सुन लिया है क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। उसके बाद जब इस सवाल को रखा गया है बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार के पास, जो इस वक्त गया से ही वो जनप्रतिनिधि हैं, तो सुनिए जरा प्रेम कुमार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। अभी दुर्भाग्य मेरी भी बात हो रही थी, काफ़ी दुखद है जाकर के इस घटना की निंदा हम करते हैं, और मुझे कानून को हाथ में लेने का किसी डॉक्टरों ने काम किया है तो निश्चित तौर पर वहाँ के प्रशासन देख रही जाकर के है, जैसे जानकारी मिली है मुकदमा भी हुआ है जाकर के, तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। आपने प्रेम कुमार को सुन लिया है, आपने पत्रकार को सुन लिया है। इस तरीके की जो घटना है वो निंदनीय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई है, यदि डॉक्टर्स ही पत्रकारों के साथ ऐसा करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। हालांकि प्रेम कुमार ने यह कहा है कि ये घटना निंदनीय है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होती है, और क्या अस्पताल प्रशासन जो है वो माफ़ी मांगता है, या आगे किन किन डॉक्टरों पर गाज गिरती है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।